तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग? फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल से एक गेमिंग पे। तो काफी दिनों से मैं इंट्रो नहीं किया हूँ, बट इंट्रो इसलिए आज कर दिया। तो गाइस, आज की वीडियो में लिटरली मैं आपको बता देता हूँ, एक अपडेट आया है माइनक्राफ्ट में, मतलब एक नया चीज आया है। अपडेट तो आप लोगों ने कर लिया होगा 1.19.30 का, तो आई होप आप लोगों ने अपडेट तो कर लिया है। बट फाइनली गाइस, माइनक्राफ्ट 1.19.30 को अपडेट करने के बाद भी यहाँ पे हमें नहीं मिलता देखने को न्यू टच कंट्रोल। बट आज के वीडियो में लिटरली भाई मैं बता दूंगा ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, तो एक मैजिक ये है। तो गाइस अभी जाके आप लोग देखोगे ना, टच के अंदर जाओगे जैसे, तो गाइस यहाँ पे आपको मैजिकली यहाँ पे दिख जाएगा एनेबल न्यू टच कंट्रोल। लिटरली ये काफी खतरनाक अपडेट है, मतलब 1.30 के अंदर ऑफिशियली तो रिलीज हो चुका है न्यू टच कंट्रोल, बट ये कुछ ग्लिच के कारण एक दो दिन के लिए शो नहीं हो रहा था, बट फाइनली ये विजिबल हो चुका है गाइस। लिटरली गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फाइनली न्यू टच कंट्रोल आ चुका है। यहाँ पे क्रॉस ईयर है, टच है, बहुत कुछ चीज है। तो गाइस आपको क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना आपको, ये जस्ट मैं बताने आ गया था, इतना सा चीज है। एंड जिन लोगों ने अभी तक माइनक्राफ्ट 1.19.30 अपडेट नहीं किया, तो 30 अपडेट करो, नहीं तो यार आपका नहीं दिखाएगा। एंड जिन लोगों का अभी तक नहीं दिखा रहे, वो लोग काम करो, गेम को रिस्टार्ट कर दो, या हो सके तो गेम को क्लियर डेटा करके ऑन करो, फिर आपका दिखाएगा। एंड ये सबको सबके अंदर फिक्स हो जाएगा। फिर भी जिन लोगों ने दिखा रहा है, उन लोगों को तो भाई 1.19.30 का नेक्स्ट जो है 31 वाला वर्जन उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोगों को दिख जाना चाहिए, ये छोटा सा अपडेट है। एंड आज मैं चाहते चाहते कुछ थोड़ा सा आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे देता हूँ, इन छोटी मोटी सा जो है न्यू टच कंट्रोल के बारे में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, न्यू टच कंट्रोल है, टच है, कर्सियर है, क्लासिक है। तो क्लासिक तो नॉर्मल आपको पता है, क्लासिक जो हमारा पहले से खेलते आ रहे। तो यहाँ पे जो टच है और यहाँ पे कर्सर, तो कर्सर जो होता है जब पीवी करोगे, जब हंटिंग सीन होता है ना, तो यहाँ पे क्रॉस ईयर उसके लिए है, ठीक है। तो आपको बता दो, टच जस्ट नॉर्मल आप खेल रहे हो उस टाइम के लिए, क्रॉस ईयर जब पीवी कर रहे हो उस टाइम के लिए, पीवी हो गया, ब्रिजिंग हो गया। तो चलो गाइस मैं क्रॉस ईयर करता हूँ एंड मैं आपको ब्रिजिंग करके दिखाता हूँ, एंड मैं आपको जाते जाते ट्रिक्स भी देता हूँ कैसे आप ब्रिजिंग कर पाओगे। तो लिटरली गाइस चलो गाइस मैं वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ एंड फिर मैं आपको बताता हूँ, तो लेट्स गो। तो गाइस ब्रिजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जो ब्लॉक है आपको ऐसे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे एक और ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। पहले देखो नीचे ये डर्ट है, इसको होना चाहिए, नीचे एक ब्लॉक होना चाहिए। फिर आपका कर्सर को मिडिल पे लाना हो, ठीक है, जो एम है ना उसको ब्लॉक के मिडिल पे आना है। एंड अभी देखो स्प्रिंट करके एकदम एम को एकदम क्लिक कर देना, बस हो जाएगा। ध्यान से देखना, आपको स्प्रिंट भी करना है और जो प्लेस का जो बटन है वो भी एक साथ क्लिक करना है, फिर आपका हो जाएगा ब्रिजिंग। एंड लिटरली भाई इतना आसान है ना ये, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन कर लो या बैटरॉक एडिशन कर लो, बहुत ही इजी हो गया। अब तो भाई आप गॉड हो गए पीवी, अब ऐसे आप जा सकते हो हंटिंग कर सकते हो, हंटिंग नेदर में जाके ऐसे अब कर सकते हो, लावा के ऊपर से जा सकते हो, एकदम कूल लगेगा यार। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, एंड हाँ जो लोग पहले क्लासिक कंट्रोल में खेलते हो ट्राई करना गाइस न्यू कंट्रोल में शिफ्ट हो जाने, क्योंकि न्यू कंट्रोल में लिटरली आपको 2 फिंगर से 4 फिंगर या 3 फिंगर आप कह सकते हो माइनक्राफ्ट में खेल सकते हो। तो गाइस ये तक छोटा मोटा सा अपडेट आई गाइस, ये वाला अपडेट पता लग चुका है अभी। अब जिन लोगों को पता था भाई बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत तेज हो हमसे, बट मेरे को पता चला, मैं डायरेक्टली वीडियो बना दिया, ठीक है। एंड चलो गाइस आज के लिए इतना ही रखते, छोटा सा अपडेट था। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट तब के लिए गुड बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, कर दो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। मैं दो बार बोल दिया ना, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।